Hi, welcome back to Basivat's biology channel. Please subscribe my YouTube channel, give likes, give comments and share this channel to others, and also press the bell icon for the notification of upcoming videos. Today we are going to discuss a topic, cell division. Cell division is a sequential events. It is a sequential events which occurs in a life of a cell called as the cell cycle. यानी यहाँ पर ये जितने भी जो events होंगे ये सब sequence में होते हैं. यानी ऐसा कुछ नहीं कि ये तो random हो रहा है या कभी ये तो कभी दूसरा, ऐसा नहीं. बिल्कुल fix है और proper sequence में होते हैं. इसी को हम कहते हैं cell cycle. तो cell cycle में दो फेज होते हैं जो कि क्लियरली होते हैं. पहला फेज होता है जिसे कहते हैं इंटरफेज. ये है यहाँ पर इंटरफेज जो कि स्टार्ट होता है यहां से तो यहां तक. ओके, दिस इज द इंटरफेज. एंड सेकंड इज अ एम फेज जो कि यहां जो इंटरफेज जैसे ही कंप्लीट हो गया तो यहां से लेकर यहां तक होता है, इसे कहते हैं एम फेज. सो वन बाय वन हम देखेंगे कि इंटरफेज क्या है. अच्छा, इसमें सिक्वेंस फिक्स है, यहाँ ऐसा नहीं कि कोई रेंडम चलता रहेगा. सो नेक्स्ट ड्यूरिंग द इंटरफेज, अब इसमें से हम पहला देख रहे हैं इंटरफेज. इंटरफेज एक ऐसा स्टेज है जो कि काफी बड़ा होता है सेल के लाइफ का, सेल के साइकिल के लाइफ का, जिसके अंदर कभी कभार वो ग्रोथ करता है या कभी कभार वो रेस्टिंग भी करता है. एज पर द नीड डिपेंड्स कि वो उसकी क्या नीड है, उस सेल की क्या रिक्वायरमेंट है. वो सेल प्लांट की सेल है, एनिमल की सेल है, प्लांट के अंदर कौन से पार्ट की है या एनिमल के अंदर कौन से ऑर्गन की सेल है. डिपेंड्स किसको ग्रोथ करना है या उसको डिफरेंशिएट करना है या अपने आप को किसी सेल में खास काम के लिए करना है, तब वो रेस्टिंग कर कर वो काम करेंगे. तो यहाँ ये डिपेंड करता है सेल साइकिल में, इंटरफेज में, कि वो इंटरफेज की स्टेज एक तो ग्रोथ करने वाली होती है या रेस्ट करने वाली होती है. तो आप इस टॉपिक में हम रेस्ट वाली से तो नहीं बात करने वाले, हम करेंगे इस पर कंसर्न. ओके, देन सेकेंड फेज था एम फेज, ये वाला द एम फेज. इट अंडरगोस अ डिवीजन. यहां पर एक सेल के दो सेल होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि यहां पर एक सेल से दो सेल बन गए. ये काम करता है डिवाइड करने का, सिर्फ डिवाइड करने का. ओके, फिक्स है यहां पर डिवीजन ही होगा, ओनली डिवीजन. तो हम देखेंगे वन बाय वन. नंबर वन इज द इंटरफेस. तो इंटरफेस एक ऐसा स्टेज है जहां पर ये हमेशा दो सक्सेसिव सेल डिवीजन वाला रीजन, यानी एक सेल डिवीजन वाला रीजन हुआ ये, जैसे ये हो गया तो ये शुरू हो गया, फिर से दूसरा चालू हुआ. यानी एक सेल डिवीजन, ये वाला सेल डिवीजन जैसे खत्म हो गया दूसरा चालू होने वाला है. तो ये दोनों सेल डिवीजन के बीच का जो ड्यूरेशन है इसे कहते हैं इंटरफेस, द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव डिवीजन स्टेजेस. Then the interphase is one of the longest phase of the cell cycle. आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली भी यहां आपको दिखता है कि ये एम फेज कितना छोटा है और इंटरफेस को कितना लंबा बताया गया, बड़ा बताया गया, क्योंकि ये फेज जो होता है इट इज अ वेरी हाईली एक्टिव. हम किसकी बात कर रहे हैं, वो इंटरफेस जो ग्रोथ करने वाला है, रेस्ट करने वाली की बात नहीं कर रहे हैं. ये हाईली एक्टिव होता है और अपने आप को तैयार करने की काम करता है, प्रिपेयर्स इटसेल्फ किसके लिए, आने वाला जो फेज है सेल डिवीजन का फेज है उसकी तैयारी की जाती है यहां पर. सो देयर इज अ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट कमिंग सेल डिवीजन, इसे हम कहते हैं इंटरफेज. तो इंटरफेज इतना लंबा है कि उसको तीन हिस्सों में हमको डिवाइड कर कर पढ़ना है समझने के लिए. होता तो वो कंटिन्यू होता है लेकिन हम हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो दिस इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू द थ्री डिविजन्स. नंबर वन इज अ जीवन फेज. दिस इज अ जीवन फेज. एंड नेक्स्ट इज अ एस फेज, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं. देन द थर्ड एंड द लास्ट फेज इज अ जी टू फेज. तो टोटल यहां पर हम देखते हैं कि वन इज जीवन, सेकेंड इज द एस फेज, सेकेंड थर्ड इज द जी फेज. वन बाय वन हम पहला देखेंगे जीवन फेज. द जीवन फेज इसका जी मींस अ ग्रोथ, एक्चुअली जी इंडिकेट करता है ग्रोथ. अभी ग्रोथ होता है फर्स्ट
जैसी सेल डिवाइड होती है, पहला सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी एम फेज यहाँ जब से भी कंप्लीट हो गया, तो ये जो एक सेल है, ये दूसरी ये सेल है, ये जो भी सेल है, वो एक यंग सेल होती है, डिवाइड करी हुई सेल होती है, वो स्टार्ट करती है पहली ग्रोथ। इसलिए इसे फर्स्ट गैप पीरियड भी कहते हैं, ये गैप के बाद का पहला पीरियड होता है, इसे पहली ग्रोथ पीरियड भी कहा जाता है। इस जीवन फेज के अंदर यहाँ पर ये एक्चुअली स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर द एम फेज, जैसी सेल डिविजन हो गया उसके बाद फौरी स्टार्ट होगा। ओके, देन जीवन फेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा है द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, दूसरा काम किया जा रहा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तीसरा काम किया जा रहा है सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स। अब हम वन बाय वन देखेंगे। अब ये आरएनए सिंथेसिस में काम क्या होता है, आरएनए जो है तो तीन टाइप के आरएनए, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों आरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लगते हैं, वो तीनों भी यहाँ बनाए जा रहे हैं ये फेज के अंदर। ओके, ये फेज है जहां पर तैयारी की जा रही है तीन आरएनए बनाने की। एक्चुअली ये प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का काम किया जाता, तीन अलग अलग आरएनए बनाए जा रहे हैं। ओके, और आगे जब उसको ट्रांसलेट किया जाता तो प्रोटीन बनाया जाता, तो ट्रांसक्रिप्शन यह हुआ, तो सेकेंड स्टेप होती है ट्रांसलेशन की, यहाँ किया जा रहा। और जैसी प्रोटीन तैयार हो जाते हैं तो वही प्रोटीन, दो टाइप के प्रोटीन बनते हैं, एक तो होता है कैटालाइटिक प्रोटीन जो कि एंजाइम रिएक्शन कराने का काम कराता, और दूसरा प्रोटीन होता है जो कि किसी सेल वॉल की बनाने के, यानी स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, पर मेम्ब्रेन्स बन रहे हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स बनाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो अब बनाई जा रही है, तैयारी हो रही है यहाँ पर ग्रोथ की। ओके, ये हुआ जी वन फेज के अंदर। अब होता है सेकेंड फेज, ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट, अब ये एस, एस इंडिकेट्स ये द सिंथेसाइजिंग, यानी यहाँ पर सिंथेसिस का काम किया जाता, तैयारी की जा रही, प्रिपरेशन की जा रही है, तैयारी की जा रही बनाने की, क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर, या बनाया जाता है डीएनए की कॉपी, दिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रिप्लिका का वर्ड मीनिंग निकलता है एग्जैक्ट कॉपी, यानी ऑलरेडी इस सेल में एक डीएनए था, तो यहाँ एक ऐसा प्रोसेस जिसे सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं, वहां इसके दो कॉपी बनाए जाते हैं और दोनों भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट डीएनए के। तो यही काम हो रहा है, एक डीएनए के दो डीएनए बनाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिपरेशन कर रहे, किसकी प्रिपरेशन है, आने वाला जो एम फेज है, यानी जो डिवीजन का फेज है, उसकी तैयारी की जा रही, डिवाइड करने से पहले यहाँ पर उसके डीएनए के दो कॉपी बनाकर रखे जाते हैं, उसे कहते हैं सिंथेसिस। इसी फेज के अंदर यहाँ पर प्रोटीन्स बनाए जा रहे जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके, जब हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जिसके अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर देखे हमने, हिस्टोन प्रोटीन्स वहां पर आठ होते हैं, आठ हिस्टोन प्रोटीन को जोड़कर, एक्चुअली H1 के दो, सॉरी H1 एक लिंकर होता है, H2A के दो, H2B के दो, H3 के दो, H4 के दो, ऐसे आठ वहां ऑक्टेट स्टेट में डीएनए को पैकेजिंग करने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये वो डीएनए के पैकिंग के लिए लगने वाले यहाँ हिस्टोन प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, कहाँ, कॉपी बनाते वक्त यहाँ उसको भी बनाया जा रहा। नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज, जो लास्ट फेज है जिसे हम कह रहे हैं G2 फेज, ये है G2 फेज। अब इसे सेकेंड ग्रोथ, क्यों सेकेंड कहा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ हो गई, ये सेकेंड है अब, यानी कुछ तो यहाँ बनाए गए थे, कुछ सेल ऑर्गेनेल तैयार किए गए थे, आरएनए बनाया गया, प्रोटीन बनाया गया, मेम्ब्रेन बनाई गई। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ किया जाता है इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस का साइज है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस के दो कॉपीज बनाए, न्यूक्लियस के अंदर के जो डीएनए के दो कॉपीज बनाए गए, तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर साइज यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम कह रहे अंदर रखने की जगह को, जो क्वांटिटी उस न्यूक्लियस में पहले बैठा करती थी, अब उसकी जगह बढ़ा दी गई, तो यहाँ वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता है। देन यही फेज में अब, क्योंकि आने वाला जो होता है इसके बाद, अब वो एम है, यानी डिवीजन वाला फेज है, तो अब कुछ होने वाला है, अब
करीब में होने वाला है, अब पास में कुछ काम होने वाला है, इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ बढ़ा दिए जाते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो आगे आने वाले लगने वाले हैं वो सारे रिएक्शंस यहाँ पर करा दिए जाते हैं। देन ड्यूरिंग दिस फेज अलग अलग प्रोटीन को बनाया जाता जो कि आने वाले डिविजन में लगते हैं। ऑलरेडी तो कई जगह यहाँ पर भी बनाया गया प्रोटीन, यहाँ पर भी जो है तो हिस्टोन प्रोटीन बनाए गए, अब फिर से यहाँ पर प्रोटीन बना रहे, लेकिन प्रोटीन कौन से? ऐसे प्रोटीन जो यहाँ लगने वाले, इस सेल डिवीजन वाले सेक्शन में लगने वाले। देन इतना करने के साथ साथ यहाँ पर फिर से आरएनए को बनाया जा रहा है। देखो यहाँ पर हमने जीवन में देखे थे आरएनए सिंथेसिस कराया गया जिसमें एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए बनाया गया, लेकिन यहाँ पर फिर से आरएनए बनाए जा रहे जो कि सेल डिवीजन के लिए जरूरी होते हैं। सो अब यहाँ पर ये हो गया हमारा इंटरफेज। यहाँ से तो यहाँ तक हमने देख लिया कि काफी लंबा था, काफी तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। अब आता है नेक्स्ट, एक चीज हम बताना बोलेंगे G2 फेज में। G2 फेज के अंदर एक चीज जो होती है एनिमल और प्लांट सेल में थोड़ा चेंज होता है। अगर ये G2 फेज अगर किसी एनिमल सेल के अंदर हो रहा है तो यहाँ एक काम जो प्लांट में नहीं होता है, यहाँ एक काम होता है कि सेंट्रियल्स के दो डॉटर जोड़ी तैयार होती है, ओके, और दो डॉटर सेल जो कि वो एपियर होना चाहिए, दिखना शुरू होते हैं, क्योंकि सेंट्रियल्स आर ओनली सीन इन एनिमल सेल, वो प्लांट सेल में नहीं होते, इसलिए ये प्लांट में नहीं दिखता। सो नेक्स्ट फेज इज द एम फेज। अब ये होगा हमारा इंटरफेज यहां से लेकर यहां तक। अब हम देख रहे हैं एम फेज। एम स्टैंड फॉर द माइटोसिस या फिर मियोसिस, एक साथ दोनों नहीं, डिपेंड करता है कि कौन सी सेल है। अगर जर्मिनल एपिथेलियल छोड़कर जितने भी बॉडी के सेल है वो सब में एम फेज हम माइटोसिस से होता है, और जनरली एम मियोसिस जर्मिनल सेल्स के अंदर हमको देखने को मिलेगा जहां मियोटिक सेल डिवीजन होता है। ये हम डिटेल में इसको भी देखने वाले, ये कौन से स्टेज में होते हैं इसमें एक डिटेल देखने वाले मियोसिस को। एम फेज डायरेक्टली एक दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, डायरेक्टली नहीं होता। पहला स्टेप होता है वहां पर कैरियोकाइनेसिस और दूसरा स्टेप होता है वहां पर साइटोकाइनेसिस। ये याद रखो यहाँ पर काइनेसिस का मान होता है टू डिवाइड, टू स्प्लिट, तोड़ना, दो हिस्सों में डिवाइड करना, उसे कहते हैं काइनेसिस। अब किसको? कैरियो एंड साइटो को डिवाइड करने वाला रिंग। तो क्या है? पहला है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं द डिविजन ऑफ अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के, जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियस सेल है, एक पेरेंट है, तो डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बन गए, तो दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करने वाले प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का मीनिंग यहाँ पर डायरेक्टली न्यूक्लियस नहीं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस मटेरियल के दो कॉपीज बनाकर सेपरेट कर दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लिया तैयार होते हैं, वो करने वाले प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एंड नेक्स्ट दैट इज द साइटोकाइनेसिस जो कि एम फेज के अंदर किया जाता है। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब उसके अंदर साइटोप्लाज्म अभी भी एक है, इसलिए यहाँ पर अब काम किया जाता है डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म, दो एक ही सेल के अंदर, जैसे कि अब ये फॉर एग्जांपल ये एक ही सेल थी, इसके अंदर दो डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पर बन गए, ये एक होगा, ये एक होगा, अब यहाँ पर एक बीच में दीवार बनाना जिसके से साइटोप्लाज्म डिवाइड किया जाता, ये जो काम किया जाएंगे इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से वहां पर अब ये डॉटर सेल एंड दिस इज द सेकेंड डॉटर सेल, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। ये पूरा हुआ साइकिल की एक सेल की एक पूरी लाइफ है जिसे हम कहते हैं सेल साइकिल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and supporting me. Thank you very much.